स्वयं भवानी मां को लड़ते देखा है। खुद ही सरहद है, खुद ही गार्ड। उसकी मर्जी के बिना उसकी सरहद में कोई दाखिल नहीं हो सकता, ना ही कोई हथियार बाहर जा सकता है। असंभव। क्रिमिनल है ये बात हम सब जानते हैं, फिर आगे पीछे क्या सोच रही हो तुम? मिसाइल अटैक करो। दस साल, 50 ऑपरेशन, 1,00,000 से ज्यादा हथियार लूटे, इंटरपोल की लिस्ट में तुम्हारा नाम टॉप पर है। देश और भेष बदलने से तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं बदलेगा। मैंने सिर्फ वो जगह नहीं छोड़ी, वो दुनिया भी छोड़ दी है। साल 1,00,000,000 से अधिक हथियार मैन्युफैक्चर होते हैं। देश का डिफेंस इसका 50% ही खरीदता है। बाकी बचे हथियारों की होती है ब्लैक मार्केटिंग। इस दुनिया में 100,00,000,000 से ज्यादा इलीगल बंदूकें हैं। 800,00,000,000 लोग हैं और 850,00,000,000 बंदूकें बिकने के लिए तैयार हैं। यानी एक जिंदगी पर एक से अधिक बंदूकें। यहाँ हत्या सस्ती है, सुरक्षा महंगी। अगर इसे रोकने के लिए लोग आगे नहीं आए, इसके खिलाफ आवाजें नहीं उठाएं, तो एक दिन लोग मोबाइल फोन की तरह असला खरीदेंगे और वो त्रासदी किसी महामारी से ज्यादा भयानक होगी। इसे नहीं रोका गया तो मैं इसे रोकूंगा। हथियार गलत हाथों में होना समाज में अपराध और अपराध से आतंकवाद का रास्ता खोलता है। गाड़ियों, सड़कों, होटलों, स्कूलों, मंदिरों में घुसने वाली बंदूकें घरों में घुसने लगेंगी। ये देश अमेरिका नहीं बनना चाहिए जहां लोगों की आबादी से ज्यादा हथियारों की संख्या है। कोई बच्चा घर छोड़कर शहर पढ़ने जाए तो माता पिता को उसका फोन हालचाल जानने के लिए आना चाहिए, ना कि कोई पुलिस वाला फोन करके बताए कि उनका बच्चा अब नहीं रहा। जब किसी परिवार में कोई मरता है तो एक नहीं दो जाने जाती हैं। एक वो जो चला गया और एक वो जो उसके लिए रोज मरता है। मृत्यु का कोई कारण नहीं, अर्थ होना चाहिए। बंदूकें जिम्मेदार बने और गोलियां आम आदमी की उम्मीद। और अगर ये करना है तो हथियार गैर जिम्मेदार हाथों में नहीं पड़ने चाहिए। पीरियड। बिना किसी वजह के हमारी आंखों के सामने कोई अपना मर जाए तो कैसा लगता है जानते हो? तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हथियार से विध्वंस करने वाला राक्षस होता है, हथियार से विध्वंस को रोकने वाला भगवान होता है। पर ये भगवान अच्छा नहीं है, सिद्धि है। मेरे हथियार कहाँ जाएंगे ये सिर्फ मैं तय करूंगा। किसी और ने हिम्मत की तो महामरण की वही आधी रात दोहरा दूंगा। प्रताप,
You have killed 12 people, misusing your power. You are dismissed. Ordering asylum for you. काले धंधों का किंग बन गया ईगल और सादेव। तूने मुझे जेल से निकालने के लिए हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी को लगाया, और ये मत सोचना कि मैं सब भूल गया। तूने जो मेरे साथ किया वो सिर्फ घटना नहीं, घाव है। तो कर लो अपने मन के सामने हो, इतनी आसान मौत तुझे नहीं दूंगा। बाप से उसकी बेटी छीन ले, सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद कर दी, और अब भी मन नहीं भरा तेरा। एजेंसियां 16 देश मिलकर भी मुझे रोक नहीं पाए, तो तूने क्या सोच लिया? मैंने एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो महाकाल भी मुझे नहीं रोक सकते। और ये जुबान मैंने अपनी वाइफ को दी है, इट्स अ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट। सारी दुनिया आ जाए रोकने तो भी नहीं रोक पाएगी। आ जिंदा थे, अब तुम्हें खुद को बदलने के लिए जीना है। तुम किसी के पिता हो, किसी की उम्मीद हो। मैं किसी की उम्मीद नहीं हूं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा जीने के लिए। When I hit a shot, it's business. When I miss a shot, it's purpose. जिंदगी पिछले 10 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी भूल की भरपाई में उसने ऐसा फैसला लिया जिसकी ना कोई हिम्मत कर सकता है ना कल्पना। वो फैसला तुम्हारी किताब का क्लाइमेक्स होगा, और वो क्लाइमेक्स तुम्हें एक ही आदमी बता सकता है। वो कौन सी जिंदगी है जो 10 सालों से आपका इंतजार कर रही है? पूरी कहानी क्या है? 10 साल से मेरा इंतजार कौन कर रहा है?
बुझाना बंद करो, साफ साफ बताओ। बताता हूँ, वेट, स्कूल बेल बजने दो। तुम्हारी बेटी, इसकी पूरी परवरिश में बस तुम्हारी यादें हैं। सहदेव की जो सबसे बड़ी पूजी थी वो थी भूमि। एक पिता के लिए अपनी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं होता। ईश्वर आंधी भेजकर जंगल उजाड़ता है, वही बारिश भेजकर उगाता भी है। रचना ने जाते जाते एक तोहफा दिया था सहदेव को, प्यारी सी बेटी। सहदेव ने खूब मन से पाला उसे, किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन साथ रहकर भी पास नहीं रहा। अपनी जगह तुम्हारे किस्से सुनाए, तुम्हारी तस्वीरें भेजी। उसने खुद को अपनी बेटी से अलग करके तुम्हें आगे कर दिया। उनकी वजह से तुम्हारी बेटी दूर हुई थी तुमसे, उन्होंने भरपाई कर दी। अब तुम ही उसके पिता हो और वो तुम्हारी जिम्मेदारी। मैंने सब कुछ अपनी बेटी के लिए शुरू किया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने अपनी बेटी मेरे लिए कुर्बान कर दी, तो मेरा सारा प्रतिशोध पानी हो गया और सारा दुख धुल गया। बस एक ही सेकंड में सब खत्म हो गया जब मुझे मेरी बेटी मिली। जब मैं उस पहाड़ी पर गई तो वहां पर केवल राख ही राख थी। उसकी डेथ कैसे हुई? जय, टाइम नहीं है, एक्टिवेट ऑल द एक्सप्लोसिव्स, इन्हें खोल दो। सिर्फ हार जीत ही नहीं, उसकी मृत्यु भी उसके काबू में थी। एवरीबॉडी आउट। सहदेव ने फोर्सेस को कम्युनिकेट किया, उसने कहा उन्हें मारने के लिए मिसाइल चलाने की जरूरत नहीं, और अपना किला खुद बनाने का निर्णय लिया। उसने डेटोनेटर एक्टिव किया जिससे 100 मीटर के दायरे में सब जलकर राख हो जाए। से मरना विश्वास ही नहीं होता। इतने जिद्दी लड़ाके की कहानी इतनी आसानी से कैसे? उसके उजड़े हुए फार्म हाउस पर उसका एक रेशा तक नहीं मिला। जिस आदमी ने 10 साल एक मिशन के लिए प्लान किया, वो अपने निकलने का रास्ता प्लान नहीं करेगा। तुम्हारी तरह मुझे भी यकीन नहीं था,
ब्लास्ट होने के अगले ही दिन मैं भी ईगल और उसके आदमियों को तलाशने वापस गया। तब मुझे पता चला ही इज नॉट अ सिंगल मैन। डेनमार्क में 112 लोगों की हत्या हुई है, उनके हथियार भी गायब है, ये खोखा मिला है। ऑपरेशन डेनमार्क का आधा काम पूरा हो चुका है। I ended many eagles. I run the Denmark. Decide lives. ईगल एक आदमी नहीं है बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक सेना जिसे कोई चीफ नहीं एक दानाशाह चलाता है, और तुम उस दानाशाह की जद में हो, समझे? नाजायज हथियार दानाशाह की नजर से बच नहीं सकते थे। उसने हथियारों के मायने ही बदल दिए हैं। हथियार वो है जो लोगों का जीवन बदल दे, वो नहीं जो जीवन छीन ले। वो कपास मजदूरों का मसीहा बनता चला गया। अपनी स्ट्रेटेजी बदलने पर मजबूर किया। प्रकृति कई बार बैलेंस बनाए रखने के लिए आपदाएं लाती है, ये आपदा वैसी है। द मैन इज एवरीवेयर। क्या मिल नहीं सकते उससे? वो दिखता नहीं है लेकिन सबको देखता है। वो हमें भी देख रहा होगा कहीं दूर से। सोचा ये कहानी अगर अंधेरे में खो गई तो आने वाली पीढ़ियां एक हीरो से वंचित रह जाएंगी। भविष्य में आने वाली मुश्किलों से लड़ने के लिए कल के हीरोज को आज के हीरो के बारे में जानना चाहिए। प्रलय को रोकने की कोशिश करोगे तो वो पहले तुम्हें ही खत्म कर देगा। तुमने इस युद्ध को आमंत्रण दिया है। जो भी देखा वो बस अंश मात्र है और इसकी शुरुआत शौर्य कांड से हुई थी। दिस मूवी डाउनलोड फ्रॉम filmyfly.com। और अब इन सब का अंत युद्ध कांड पर होगा। समर जीतने के लिए महायोद्धा बनना पड़ता है। इस महायोद्धा की कहानी को एक अध्याय में समेट पाना संभव नहीं है। इसके कई अध्याय हैं। के
शुरुआत दिल्ली में हुई एक छोटे से खादी के कपड़े से। Grown in India. It's lovely. But I'm sure you're not from India. Yes, this cotton is very famous in Europe. But in India, no one knows about it. What? Sahi keh rahi hai wo. Ise thalakona kapas kehte hain. Bahut durlabh hota hai. Mausam ka intezar karo, sahi mitti mile, sahi nami ho, tab kahin ye paida hota hai. धरतीमा फिर भी दयालु है, लेकिन सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती। एक था जो ध्यान देता था, खून पसीना एक करके कपास उगाता था और देश विदेश में भेजता था। फिर न जाने क्या हुआ उसका, मुझे तो नहीं पता। ले जाओ, बहुत मुलायम होता है। जब ये सब सुना तो लगा जर्नलिस्ट हूँ, एक आर्टिकल तो बनता है उस दुर्लभ कपास के बारे में और उस आदमी के बारे में भी। आंध्र प्रदेश के तलकोना प्रांत में उगने वाली जंगली रुई, इससे फायदा तो ज्यादा हो रहा है लेकिन उगाने वाले की कमाई कम हो रही है। इसे उगाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक इंसान जिस पर शक है वो एक साल से दिखाई नहीं दे रहा है। आजकल कौन पढ़ेगा ऐसे आर्टिकल्स? कुछ ओल्ड कॉटन डे कहा था ना? यस सर। लास्ट पेज में कहीं फिलर्स में डाल देना इसे। डाले गए इस आर्टिकल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को अलर्ट किया था। यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से फोन आया था जो एक नेशनल न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग को रोकने की वजह बना। सीबीआई के ऑफिसर्स का ऑफिस आना और 16 घंटे इंटरोगेट करने का कारण बना ये आर्टिकल। सब मेल्स और फोन्स चेक करो, कोई नहीं बाहर जाएगा यहाँ से। कम ऑन गाइस, हरी अप। इन्होंने ही वो आर्टिकल लिखा था। इसको एडिटर रूम में लेके जाओ। You have to submit all the documents. Sir, we'll submit the documents. But I don't think so that we'll have to bring an investigation like वहाँ this. पर मैम। This actually brings a negative impression on our paper. So please, I want you to understand what we are trying to tell you. You? तुमने क्या लिखा है, किसके बारे में रिसर्च करके लिखा है, तुम्हें कोई आइडिया भी है? सर, इट वाज जस्ट एन आर्टिकल अबाउट कॉटन। देखो, वो जस्ट आर्टिकल नहीं है, इट्स अ नेशनल सीक्रेट। सरकार को गिराने वाला आर्टिकल आर्टिकल नहीं होता है, राज होता है। 70 इयर्स में पहली बार पेपर का पब्लिकेशन रुका है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से फोन आ गया, ऑल बिकॉज ऑफ योर डैम आर्टिकल नलिनी। नाउ जस्ट गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, गेट आउट, यू हैव गॉट नथिंग टू डू हियर। घंटों के इंटरोगेशन के बाद मैंने कह दिया कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि अब मेरा संबंध उससे जुड़ गया है। पूरा सच बाहर लाऊंगी, अब मेरी कहानी है ये। जिसने उन्हें परेशान किया वो रुई या इलाका नहीं बल्कि उसे उगाने वाला है। इतने लोगों को जिसने डरा कर रखा है उसके बारे में जानना है। रोई की जो फैक्ट्री है वहां कैसे जाएंगे? पहाड़ है, फैक्ट्री नहीं है, इधर से जाके बाई तरफ पहुंच जाएगी।
ये कौन है? ये राख कैसी है? क्या हुआ था यहाँ एक साल पहले? उस दिन एक सूर्य पर ग्रहण लगा था, कुरुक्षेत्र वाली आग थी, मृत्यु के आगे कोई प्रार्थना काम नहीं आ रही थी, आवाजें घुट गई थी, पांव जम गए थे। उस दिन ये हरे हरे पहाड़ लाल हो रहे थे, अग्निदेव आहुति की तरह लोगों को लील रहे थे, तारों में लपक पड़ गई थी। से मिलना है। खाली बैठे हैं, जाकर मिल लो। थैंक यू। पहली वाली क्या चिकन और दूसरी वाली क्या मटन पहुंचाया ना तो बहुत मारूंगा, सोच लेना। सर फिर करता हूं फोन, रख दे। इन आंखों में जो हिम्मत दिख रही है, ईव टीजिंग का तो केस नहीं है। इस शहर में सेल्फ रिस्पेक्ट तो कोई गिराता नहीं। क्या हुआ मैडम, किसी ने आपका पर्स चुरा लिया? ऐसा कुछ नहीं है सर, वहाँ एक पहाड़ है ना, क्या हुआ था? मैं बता दूं और तुम लिख लो, इतना छोटा मैटर नहीं है। जो हुआ उसकी तारीफ नहीं कर सकता और उसे भूल भी नहीं सकता। वो इंसान नहीं है, एक शैतान है। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, चले जाओ यहां से, जाओ। सर थैंक यू। तुम इसे ऐसे छोड़ने वाली लगती तो नहीं हो? अरे बहुत बड़े बड़े लोग हैं उसके पीछे, एमएलए भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एमएलए देखने में हीरोइन लगती हो, मेरी बात मानो, घर जाओ। हेलो गाइस, एंजॉय द पुलिस बैकग्राउंड यू सी। थावेकोना पुलिस स्टेशन, हियर ऑल पुलिस फेवरेट कड़क चाय। चलो देखते हैं कि चाय कैसे बनती। चूल्हे के नीचे जोर से आग लगा के मिल्क में चाय पत्ती इलायची डालकर चम्मच से मिक्सिंग 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 मिक्सिंग। भैया एमएलए के घर जाने के लिए यहाँ कोई टैक्सी नहीं है क्या? फेमस लूना जिग्नेश फैंस, सब्सक्राइब टू लूना जिग्नेश। टाटा। वो काम में लगा है, आई एम फॉर्म में हूँ। यू वॉन्ट टैक्सीज, हियर इज टैक्सीज। ये टैक्सी है? यार यही टैक्सीज है, चीप रेट्स। यू जर्नलिस्ट? फ्रॉम दिल्ली। ओ दिल्ली लेडीज। वाटर टैंकर है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। अरे भाई जब भी बारिश पड़ेगी पानी आ जाएगा, जाओ। क्या भाई लूना? भैया दिल्ली लेडीज एमएलए के इंटरव्यू के लिए आई है। दिल्ली से? सच में दिल्ली से आई हो? धीरे से नीचे, फिर अब ऊपर। नमस्ते। ऑलमोस्ट। अब इस छोटी उंगली को ऐसे हिलाइए। वेरी नाइस, गुड प्रोग्रेस। ट्रीटमेंट का अच्छा रिस्पांस हो रहा है।
हो गया सर, आपका ट्रीटमेंट हो गया। सर पे जो वजन था वो धीरे धीरे उतर रहा है डॉक्टर। ये मोहतरमा कौन है? हम जीत गए ना सर, ये जर्नलिस्ट है, इंटरव्यू लेने के लिए आई है। दिल्ली से? दिल्ली से आई है। हाँ। बैठो 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 बेटी, बैठो बैठो। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर विक्ट्री सर। ये गांव चारों तरफ से बहुत सुंदर है, यहाँ की एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या है वो? वो पहाड़। क्या स्पेशल? मेरा बर्थडे। देखो, डेफिनेटली वो एक लॉकर कोड है, मतलब पंजाब नेशनल बैंक। बापरे, वहाँ का CFO मेरा फ्रेंड है, एक फोन करूंगी तो तुमने बेईमानी का कितना पैसा छुपाया पता चल जाएगा, तेरा MLA ही तुझे मार डालेगा। समझ गया। यहाँ क्यों लाया हो? अरे वो बाजार में बता सकता हूँ क्या? मैं ऐसे सुनेंगी तो कुछ नहीं होगा। सुबह सुबह पूरब का पहाड़, टाइटल सुनो। पहाड़ पर 10 एकड़ की हरी भरी जगह पर एक शानदार फार्म हाउस है, उसकी बगल में रुई के कपड़े बनाने वाली एक फैक्ट्री है, वहीं पर 2 आदिवासी समूह को काम देने वाला एक भला इंसान, वहां की स्वच्छ हवा, मासूम जनता, शुद्ध रेशम, उन्हें भगवान मानने वाली एक आदिवासी जनजाति। छोड़ो उसके बारे में बताओ। ठीक है, उसी के बारे में बताता हूं। उसकी परमिशन के बिना चींटी भी गेट के अंदर नहीं घुस सकती। चींटी भी? उसका इंट्रोडक्शन देता हूं, सुनो। हे, ऐसे तीर चलाओगे तो निशाना कभी नहीं लगेगा। पहले हवा का रुख देखो, उसके बाद तीर खींचो। जन जन का सेवा, धरती का बेटा, माटी के लाल, हमारे चिल्लर सोमेश्वर रेड्डी का चुनाव चिन्ह भाई। माइक पे बटन दबाकर सोमेश्वर रेड्डी को भारी मतों से विजयी बनाए। नेता सोमेश्वर जी, नेता सोमेश्वर जी, नेता सोमेश्वर जी, नेता सोमेश्वर जी, नेता सोमेश्वर जी। यहाँ भी पैम्पलेट डाल दे। अब देखो अन्ना, गेट के अंदर गोले की तरह जाएगा पर्चा। देखता हूं कौन रोकता है इसे। लगता है डेमो दिखाने का समय आ गया है। Certain.
हथियार उठाने का कारण सही हो तब तुम्हारा निशाना कभी नहीं चुकेगा। कुछ लोग बातों से मानते हैं और कुछ लात। पिछवाड़े में क्यों मारा पूछो? ए, तुमने उसके पिछवाड़े में तीर नहीं मारा, मेरे गुरूर पे मारा है। पहले परिषद चुनाव, फिर MLC, फिर ये विधानसभा चुनाव, एक बार भी हमारा पैम्पलेट अंदर नहीं गया है। ये क्या कोई मठ मंदिर है जहां राजनीति घुस जाएगी तो अपवित्र हो जाएगा? ये कपड़े का कारखाना ही तो है। सैकड़ों हाथों की चुवन, जाने कितने दिलों की दुआ और किसानों की आत्मा लगती है कपास को कपड़ा बनाने में। इंडियन कॉटन इज ब्यूटीफुल, ये खादी मेरे लिए मंदिर जितनी ही पवित्र है। ये तुम नहीं समझोगे, चुनाव तो फिर आएंगे पर तुम फिर से दिखाई मत देना। निकलो। सहदेव, 300 वोट्स तेरे साथ है इसलिए अभी तक चुप हूं, नहीं तो यहां लाशें उड़ने लगती हैं। जय, ये जो बढ़िया है इसे याद रखना, जब पूछूंगा तो बताना। अब जा। इंटरेस्टिंग, तुम्हारी समझ में यही आया? पैम्पलेट है इसीलिए वार्निंग, अगर इंसान हुआ तो बाप रे बाप। ऐसा क्या? कौन गया था अंदर? इस कहानी की शुरुआत हमारे MLA साहब के घर से हुई थी। मेरे बचपन में 100 रुपए लेकर प्यार से चोरी चोरी झूठे वोट डालते थे। अभी जो बड़ी है वो कीमत नहीं है पेंचला, स्वार्थ बड़ा है। तू तेरी तो जनता को दया नहीं आती, इतना पैसा आएगा कहाँ से? सर, हाँ, आपसे मिलने के लिए बिजनेसमैन राजेश रूमानी आए हैं। सर, कौन है वो? इसे MLA किसने बना दिया? ये है सर। ओ तेरी तो, ये तो अंबानी रेंज का है ना? हाँ। हमारे पास क्यों आया है? ये तो वो खुद ही आपको बताएंगे सर। जरूरत मुझे यहाँ खींच रही है सोमेश्वर रेड्डी। ये बॉक्साइट है, ये पहाड़ी आपकी विधानसभा में आती है। इसकी चोटी पर एक फार्म हाउस है और नीचे आदिवासियों के दो छोटे छोटे गांव हैं। ये गूगल मैप की इंफॉर्मेशन है पर मेरी रिसर्च कहती है कि इस पहाड़ी के अंदर बॉक्साइट का भंडार है। अगर आप ये पहाड़ी उन लोगों से खाली करा दें तो मैं आपको 300 करोड़ दूंगा। ये 10 करोड़ टोकन अमाउंट। गूगल रिसर्च एक चीज नहीं बता रही है सर, वहां एक यति भी रहता है और वो जंगली लोग उसकी एक आवाज पे मर मिटने को तैयार रहते हैं। वो पीछे नहीं हटेंगे सर। मैं अपने बिजनेस में लोगों को मारते मारते थक गया हूँ। मुझे लगा 300 लोगों को मारने की बजाय 300 करोड़ रुपए फेंक देना बेहतर डील है। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे। चुप रहो। लक्ष्मी जब घर आ रही हो तो रास्ता नहीं रोकते, डील मंजूर है। और विधायक जी उसके झांसे में आ गए, बस सारी समस्या वहीं से शुरू हुई। चे, ओके, आई गॉट माय आंसर्स। ये सब बॉक्साइट के बारे में ही है। हेलो लड़की, ए लड़की, तुम्हें और तुम्हारी टैक्सी को थैंक्स। नो मेंशंस। सब्सक्राइब टू लूना जिग्नेश दिल्ली लेडीज। अरे किस इलाके में आई हो और किसके बारे में पूछ रही हो? स्लैंग सेट नहीं हुआ है, ये तुम्हारी दिल्ली नहीं है, अब चले क्या? टेंशन मत लो, हम गवर्नमेंट के लोग हैं, पब्लिक के फ्रेंड, तुमसे सच उगलवाने के लिए आए हैं। चलो। नहीं
नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, सबसे मीठा मथुरा का पेड़ा। लास्ट एंट्री July 17, 1997, रेंजर्स साइनिंग। सीआईडी हो? शायद वेब सीरीज बहुत ज्यादा देखती हो, इंटरनेशनल सीरीज भी देखनी चाहिए। रॉ? यस, वी एग्जिस्ट। मदनपल्ली में सेफ हाउस कैसे? हमने मेरठ मिलिट्री होटल के पीछे एक स्लीपर सेल को और गुड़गांव पेट्रोल पंप पर एक क्रिमिनल को पकड़ा, इसी तरह के सेफ हाउस के जरिए। अब मुझे पकड़ लिया। बॉक्साइट के बारे में लिखकर तुम्हारे ऑफिसर्स की पोल ना खोल दूं इसलिए? बॉक्साइट के बारे में होता तो नेशनल ट्रेजर होता, नेशनल सीक्रेट नहीं होता। तुम जिसके बारे में इंक्वायरी कर रही हो, इस बिगर देन बॉक्साइट। पता है वहां कौन रहता था? वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड असैसिन। योगा करती है, वो ये मिला कर पीती है, इसे कूलेंट कहते हैं। कोडिंग पढ़ने वाली मेरी बेटी जब वो पीती है तो डीकोडिंग करने वाले हम जैसों के लिए ये बहुत जरूरी है। मैम, मुझे यूरोप में अंडरकवर आपने ही अपॉइंट किया था। एंड आई वाज आस्क्ड, आई बिल्ट अ नेटवर्क विद ऑल द माफिया आउट देयर। अब अचानक मुझे इंडिया क्यों बुलाया आपने? एनी रीजंस मैम? एनी रेड फ्लैग्स? एम आई एक्सपोज्ड? सिट डाउन। सिट। There was an incident at the Goa port. रोज कुछ न कुछ छोड़ देना उन कस्टम वालों की आदत जो है। इस बार उन्होंने एक कंटेनर को छोड़ दिया। वो वहां से 75 किलोमीटर दूर जाकर एक गोडाउन पर पहुंचा। वहां एक आर्म्स डीलर की हत्या हुई है। हमारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसमें कई हजारों करोड़ के इलीगल हथियार हैं। नॉट ओनली दैट, 3 हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ में इसी आर्म्स डीलर के द्वारा नक्सल्स को देने वाले कंसाइनमेंट को भी किसी ने कैप्चर कर लिया था। गुस्तावो ब्लैक एरो, स्नाइपर्स मोस्ट फेवरेट बुलेट। वहां पर जो विंड स्पीड है उसे 800 मीटर के रेडियस में जो शूट कर सकता है वो सिर्फ एक ही, ईगल। मैम, जॉइनिंग के वक्त भी मैंने ये नाम सुना था, बट आई थिंक ही हैज बीन इनएक्टिव फॉर द लास्ट 10 इयर्स। उन्हीं 10 सालों के दौरान वो यहां एक्टिव हुआ है। इतने सारे हथियार मिस हुए हैं कि हर इंसान को भी अगर एक एक गन दे तो भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में बांट सकते हैं। He's a ruthless assassin. But what is he building now? मैम, बट इस केस में मैं कैसे? यूरोप में तुमने अंडरग्राउंड नेटवर्क बिल्ड किया था ना, वो किस वजह से इनएक्टिव हुआ वो पता करो। Understood, मैम। लास्ट टाइम तुमने जो टिप दी थी उससे मिलियन पाउंड्स का प्रॉफिट हुआ था। वन फेवर, क्या चाहिए बोलो।
के लाइट्स ऑन कर दे। बैग बनाओ। ईगल के बारे में पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे ब्लंडर के नाते आज हम सब अपनी जान गंवा दें। जहां रोशनी भी नहीं पहुंच सकती, वहां भी उसका निशाना पहुंच जाता है। जिस तरह जंगल पेड़ों के नेटवर्क से चलता है, वैसे यहां उसका नेटवर्क चलता है। ये सब उसका जंगल है और हम बस उसमें रहते हैं। अच्छा, तो हमें भी मार देगा? 15 साल पहले एक बहुत बड़ा माफिया लीडर था, फोर लेयर सिक्योरिटी, बुलेट प्रूफ दरवाजे, बचा नहीं पाया उसे। एग्जॉस्ट फैन की रफ्तार में थी 2 पक्षियों के बीच गोली चलाई और काम खत्म। कोई नहीं बच सकता। फिर तुम्हारी रेंज से बहुत आगे की चीज है वो। मेरी रेंज मेक्सिको के सबसे बड़े माफिया बॉब पास्कल तक भी थी, जिसे यूरोप में मारा गया। पेड्रो पास्कल, बॉब पास्कल का बाप, उसका किस्सा सुनाते हैं तुम्हें। वो एक बड़े गैंग के साथ जंगल के नजदीक वाले गैस स्टेशन पर आया था।
कैसे अप्रोच करते थे उन्हें? नो फोन्स, नो मीटिंग्स, वो किसी से नहीं मिलेगा। उससे मिलना है तो न्यूज़पेपर में प्रिंटर का एड देना पड़ता है, उसमें लोकेशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके पास जो मिलिट्री एम्बेडेड फोन होता है उसी से वो कॉल करके आता है, उसी से वो रिस्पॉन्ड करता है, वो भी अगर मूड अच्छा हो तो। हमने उस साल देश में जो कुछ भी वॉन्टेड प्रिंटर एड्स हैं उनको बोर्ड पे लगवाए। दरअसल मैम, पेपर्स में ऐड के जरिए उनको कम्युनिकेशन चाहता है। उनकी टीम हथियारों की डील वाली जगह पर पेंटर चाहिए ऐसा ऐड देती है। मैम वहाँ फोन नंबर दिखाई दे रहा है? That is not a phone number. वो उस एरिया के कोऑर्डिनेट्स हैं। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लोकेशन। उस जगह पर उसके आदमी गन्स लेने के लिए आते हैं। उन्हें फॉलो करेंगे तो ईगल के रहने का ठिकाना मिल जाएगा। नेक्स्ट पेंटर ऐड कब छपेगी? हमने वेट किया और हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। सर, पेंटर ऐड कुर्क के पेपर में पब्लिश हुआ है। एड में जो लोकेशन थी वहीं पर इलीगल गन्स की डील हो रही थी। ईगल के आदमियों ने हथियारों के डीलर को मारकर गन्स को अपने ट्रक में लोड किया। उसे फॉलो करते हुए जब हम गए तो वो हमें मदन पल्ली के एक फार्म हाउस में ले गया। इसका मतलब जरूर ईगल वहीं रहता होगा। ईगल और सहदेव एक है या नहीं ये क्वेश्चन बेकार है, क्योंकि ईगल इज डेड नाउ। तुम बॉक्साइड स्कैम्स वगैरह अपनी मर्जी से लिखना बंद करो। आपने पूछा था ना सिस्टर, हियर इज योर मिल्क्स एंड कर्ड्स। पहले तो उसे फ्रिज में रख दो और जनता बाहर कहाँ है वो बोलो। बाहर जाएंगी? इसे मैं ले जाती हूं। जी चिली चिकन। अब तुम यहां पर भी पहुंच गई। शांति से बैठ के अपना लीवर भी खराब नहीं कर सकता क्या? मुझे जो पता था मैंने बता दिया, अब मुंह नहीं खोलूंगा। पता है कल मुझे रॉ पुलिस वाले ले गए थे। तुमने बता दिया क्या? मेरे पास जो तुम्हारी वॉइस रिकॉर्डिंग है वो दे देती तो तुम्हारा क्या होता? तुम तो मुझे कुछ बताते ही नहीं। अब अपनी एक्टिंग बंद करोगी? बता रहा हूं पर याने। बड़ी अच्छी जगह है, चलो अब बताओ
टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद इंसान पे भरोसा नहीं रहा। मां की कसम खाओगी तो बताऊंगा। यहां पार्टी का निशान आएगा और यहां पोलिंग डेट सर। पीए माइक तो ठीक है, अंगूठियां कहां गई आपकी? सर वो किसान नहीं है और हमारी डील भी नहीं रही। मेरी बात ध्यान से सुनो। पीछे से सिक्के गिरने चाहिए, समझा? से 10 मिनट नजर हटाकर तेरे बारे में सोचा तो तेरी बुनियाद हिल गई। मैं पेपर्स को देख के फायदा नुकसान बता सकता हूं। तुम किसान नहीं हो, फिर कौन हो तुम? जहर पीता हूं, दुनिया घूमता हूं, सांसें रोकता हूं, रक्षा करता हूं, विध्वंस हूं मैं। विध्वंस को रोकने वाला विनाश हूं मैं। छोड़ दूंगा उसके ट्रांजैक्शंस। टर्की, जर्मनी, जापान जा रहे हैं। ही इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। उस बॉक्साइट के मामले को भूल जाओ। ठीक है सर। ए पेंचला। हाँ मामा। उसने डरा दिया और इसकी फट गई। अब वो हट गया है तो 300 करोड़ नहीं, 3000 करोड़ हमारे ही है। सर 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 रहने दीजिए सर, वो रिमोट गेट है सर, इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। ए पीए बोल बोल कर रील मत घुमा। हाई कमांड भी मेरे जाने पर डोर खोलती है, ये नहीं खोलेगा क्या? जब तक हमारे भगवान नहीं चाहेंगे दरवाजा नहीं खुलेगा। ए, मेरी शक्ल क्या देख रहा है? बुलाओ उसे। एमएलए आए हैं, चल गेट खोल दे अभी। ठीक है। कोई बाहर क्यों नहीं आता? क्या समझते हो आपने आपको? महंगा कुर्ता पहना हूँ, दुबई का सेंट लगाया हूँ, 12,000 मेजॉरिटी वोट से जीता हूँ, मुझे अंदर नहीं आने दिया और उस नंगे बदन वाले बुड्ढे को अंदर आने दिया। आखिर ये क्या समझता है मुझे? अरे आप सोच क्या रहे हैं? सोचते रहेंगे तो गेट बंद हो जाएगा। चलिए कुर्ते और सेंट की बात बाद में हो जाएगी, चलिए अंदर आइए।
उससे भी ऊंचा है ये। सहदेव, तुम्हारा नाम हमारे यहां चर्चा में रहता है। तुम मेरी विधानसभा से हो, इसलिए मैं खुद तुमसे बात करने यहां आया हूं। एक्चुअली मैं ये पहाड़ी समतल करना चाहता हूं। चिंता मत करो, मुफ्त में नहीं कह रहा हूं। वैसे इसकी कीमत 60 लाख से कम है, लेकिन मैं पर एकड़ 1 करोड़ दूंगा। इन गरीबों के घर टीवी लगवा दूंगा। और वो क्या था जी? OTT। हाँ, वो OTT भी दूंगा। Amazon है, ये है, वो है, सब देखें। तुमने तो दुनिया देखी है, तुम्हें क्या समझाना? सोमेश्वर रेड्डी, ये जमीन हमारा पेट भरती है, इसे बेचेंगे तो भूखे मरेंगे। बॉक्साइट से पेट नहीं भरेगा। निकलो यहां से। तो तुम्हें पता है? ये सब पता है, इसीलिए समझा रहा हूं। सोए हुए शेर को कंकर नहीं मारते। अगर वो जाग गया तो तू नहीं बचेगा। सहदेव, सांप नहीं हूं मैं, अजगर हूं, याद रखना। अब तू सोच ले। उसके बाद जो हुआ वो आवाज सुनी कि बोलती बंद। ठीक है, स्मशान चलते हैं, वहां कोई नहीं होगा। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता जाऊंगा तो आखिर में वहीं पहुंच जाऊंगा, नहीं बताऊंगा। सुनो, इससे ज्यादा मुझसे मत पूछो। देखो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं देवी जी, मेरे बस का नहीं है। ए विकास, सब बता दिया ना, पूरा का पूरा बता दिया ना। एमएलए के पास ले जाने के लिए तुम्हें तो कहा था, अब उल्टा मुझे ही डांट रहे। अब रूमानी के पास जाने की बात कर रही है। रूमानी के पास? मतलब वो नेक्स्ट लाइट पद्मा, सबके बारे में पता चल गया। मतपूर सुन लेगी, एमएलए का नाम सुनते ही यहाँ तक पहुँच गई। पद्मा दीदी और नक्सलवादियों के बारे में बोलेंगे तो फौरन वहाँ पहुँच जाएगी। सुन लिया क्या तूने? बक जो दिया। ए, पद्मा टीचर कहाँ मिलेंगे? इस क्लासरूम में। वहाँ पर? थैंक यू। पत्ते की आवाज से मैं मुसीबत को भांप लेती हूं। कौन हो तुम? भगवत गीता जानने के लिए भाषा ही काफी है, लेकिन समझने के लिए परिणीति चाहिए। समझने वालों के हिसाब से उस कहानी का मतलब बदल जाता है। तुम हमारे सिद्धांतों को समझने वाले एक जर्नलिस्ट हो, इसलिए अपनी कहानी बताती हूँ। आग से शोला भड़कने के लिए हवा की जरूरत होती है, सिद्धांतों को बचाने के लिए और हमारी क्रांति को जिंदा रखने के लिए हमें हथियारों की जरूरत है। अब तक 3 बार हम तक पहुंचने वाले औजारों को रोक के कोई उड़ा नहीं गया है। हमारा खजाना भी खत्म हो गया है, किसी भी हाल में उसे पकड़ना ही होगा। पद्मा, तुम गाजियाबाद जाओ और अल्ताफ से मिलो। मैंने कितनी बार जहाद के लिए लड़ने की कोशिश की, उसने रोका है मुझे। अब तक 12 कंसाइनमेंट्स, मतलब कम से कम 10,000 हथियार उड़ा लिए हैं उसने। किसी भी तरह उस काफिर को पकड़ना है। हमें देने वाले कंसाइनमेंट के लिए आई हूँ। आपकी लड़ाई अलग है और हमारी अलग। दोनों का दुश्मन एक ही है।
इस बार आए कंसाइनमेंट में ट्रैकर रखकर उसे फॉलो करके वो जहां भी हो उसे पकड़ना होगा। उस तरह उस जीपीएस ट्रैकर को कंसाइनमेंट में रखकर ईगल को ट्रैप करने की कोशिश की। हमेशा की तरह ईगल के आदमियों ने डीलर को मारकर हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। मैंने उस जीपीएस ट्रैकर को फॉलो किया तो उस पहाड़ पे जो घर है वो वहां ले गया और मैं उस घर में अंदर जाने का रास्ता ढूंढ कर उस घर के अंदर चली गई। ये दलाली वाले पैसे से भी ज्यादा पैसा है मालिक। रुई उगाने वाला, रुई बेचने वाला, दोनों को जीना है। ये आखिरी फसल है, चंडी का मेला लगवाइए। ठीक है मालिक, ये पद्मा है, ये जंगल में रहती है, अगर इसके लायक कोई काम हो तो इसे दिलवा दीजिए। हाथों की चोट और पांव में जूते देखकर ये तो नहीं लगता कि तुम घर के काम कर पाओगे। मेला आ रहा है ना, वहां किसी काम आ जाएगी, रख लो। और इस तरह मैं उस घर में पहुंच गई। वो ट्रैकर कॉटन फैक्ट्री का लोकेशन दिखा रहा था लेकिन मुझे वहाँ कहीं हथियार नजर नहीं आए। सब बराबर है, लिखने वाला जब 10 आदमियों को बदल सकता है तो सबको बराबर देखने वाला 1000 आदमियों को बदलता है। मैंने वैसे इंसान को देखा वहाँ। मैं उस इंसान पर शक करूँ या नहीं मुझे समझ में नहीं आया। जरा रुकिए, आप कह रही हैं हथियार और कोई कहता है बॉक्साइट और कोई कहता है ईगल। एक इंसान की इतनी सारी कहानियां और एक ही इंसान के इतने सारे अवतार। कहा था ना मैंने, गीता को समझने के लिए समझदारी चाहिए। अभी तुम इस कहानी को ठीक से समझ नहीं पाओगी पर जब समझ जाओगी तो तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। यहाँ वहाँ की बात छोड़ो सिस्टर, उस रात पहाड़ पर जो हादसा हुआ था वहाँ पर एक नाथ एंड पेन चला इस देर। सीधा एक नाथ के पास गोइंग, वो मना करे तो पेन चला को आस्किंग। तेरे दादू कहाँ गए हैं मचा? दुकान पर गए हैं मचा। यस। ए मचा, छोटा सीक्रेट है। पहाड़ के स्वामी को कभी देखा है क्या? वो स्वामी मेरा दोस्त है मचा। हाँ? मेरे साथ पबजी खेलता है। एक बार भी नहीं जीत पाया। बीटिंग हिम इन पबजी इम्पॉसिबल मचा। हाँ? एक दिन मुझे प्यास लगी और मैं नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा था। धड़ाम से आवाज आई, बगल में देखा तो नारियल गिरा। अगले रविवार को जब मैं घर जा रहा था मच्छा, मैं देखता था वो उड़ाता था, मैं देखता था वो उड़ाता था। हर रविवार यही होता था मच्छा। सच बोल रहा है ना मच्छा? सच बोल रहा हूँ। उस घर में स्वामी के अलावा भी कोई और है क्या? अब तक तुम जिन लोगों से मिली उनकी कही हुई बातें सच में हुई थी। कहानी का मतलब बाहर से दिखने वाली घटनाएं नहीं है, गहराई में जाओगी तो कारण मिलेगा। कारण जानकर आ दिया। दिस मूवी डाउनलोड फ्रॉम filmyfly.com। कारण बताना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, तुम्हारे पैरों में क्या हुआ ये बताओ। अच्छा, तुम्हें देखकर स्वामी ने जो तबाही मचाई वो याद आ रहा है। मुझे हिम्मत मिल जाएगी, बस तुम नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाओ। हेलो ना, तेरा वजन ज्यादा है, तू साउथ ईस्ट में बैठ जा। चले से। आखिर ये सब है क्या? वास्तु, इतना कुछ गंवाने के बाद जाना है ये सब। मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैं जानता हूं और जो मैंने देखा है सब बताऊंगा। उस दिन मैंने जाना था वास्तु के बारे में और जो वहां देखा, इंग्लिश सिनेमा। बेलूर गैंग कुछ बोला था, हम कहां जा रहे हैं मामा? उन्होंने यही लोकेशन भेजा है। इतने बड़े तोप है क्या वो? 4 जिलों में इस गैंग को पकड़ने वाला कोई पुलिस वाला नहीं। चलो कदरे।
को धोने की जरूरत नहीं है। खून देखकर मुझे मजा आता है। लाल रंग मुझे बहुत सुकून देता है। ए, क्या है ये वायलेंस? बगल में पुलिस स्टेशन भी है। ये उसी स्टेशन के सीआई की लाश है। शाबाश, शाबाश। ऐसा ही नजारा होना चाहिए। ऐसे ही मारना उसे। आज रात का मेला उस किसान के लिए आखिरी मेला होगा। स्टेटस मिस्टर अजीतन, एजेंट ने लोकेशन भेजी क्या? वेटिंग मैम, हमारा एजेंट उस ट्रक को फॉलो करते हुए जा रहा है। ए, उसे उठाओ। एकनाथ, एमएलए साहब। एकनाथ, पूजा होने वाली है, चाय पिला। आज बलि चढ़ेगी पिए। फॉलो कर रहे थे वो एक फार्म हाउस में गया है।
इंटरसेप्शन अकॉम्प्लिश्ड। ट्रक के पीछे कुछ लोमड़ियां भी आई हैं। कितने हैं? शिकार के लिए 25 और दाने के लिए 1। बता रहा है वास्तु, हम बताएंगे। पर्दा हटाओ। कैसी है विकास? मजा नहीं आया, मसाला चाहिए। यहां तो इंग्लिश फिल्म का एक्शन चल रहा है। ए, क्या ये? खुद को तारा सिंह समझते हो? पूरा बांध के भेज दिया? मैं नहीं मानूंगा, चाकू और गन का कोई मैचिंग ही नहीं है। जय Thank you.
ट्रकों की आवाज नहीं है, गोलियों की आवाज है। हमने तो उन्हें तलवारें ही देकर भेजा था विकास। बढ़िया है, अपने प्रिय नेता के लिए कुछ तो प्लान किया होगा। और गाड़ी में जो हथियार हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सब गोडाउन में पहुंचाओ, मैं इनका हिसाब पूरा करके आता हूं। मुझे उस फैक्ट्री में क्यों दिखता था अब समझ आया। वहां एक बेसमेंट भी है जिसका मुझे पता नहीं था। पद्मा, रेडी फॉर द शो? बांधने से सब रुक जाएगा तो ये तुम्हारा पागलपन है। तुम्हें हमारे पूरे दल से सामना करना होगा। लेकिन अब जो होने जा रहा है उसके सामने तुम्हारी बात बहुत छोटी है। इस गेट के अंदर आने वाली हर चीज मेरी है, फिर वो औजार हो या आयु हो। छोड़ देंगे तो सेवक बन जाऊंगा, दया करेंगे तो भाग जाऊंगा। सामी, इन्हीं पैरों से तो अंदर आया था ना। दस सामानों के साथ 25 लाशें और तेरा ईगो और उन्हें लाने वाली वो वैन 2 मिनटों में मेरे गेट के बाहर होनी चाहिए। सेटअप देख के मुझे लगता है 2 स्नाइपर्स चाहिए होंगे। 2 स्नाइपर काफी नहीं है। We are talking about Eagle. I have already sent the whole force landing at the Ranigunta Airbase. Thank you, ma'am. Now you listen to me. International Combat Force तुम्हारे पीछे है। Burn him down. सर, कौन सर? सर, जल्दी। हाँ, जा रहा हूँ। जल्दी जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। सर।
बिंदी क्यों लगा रखी है? क्या हुआ विकास? बिंदी नहीं है सर, खून बह रहा है, सबको गोली लगी है सर। यहाँ आए तो हमें भी मार डालेंगे सर। भाग चलिए यहाँ से, चलिए सर, चलिए। चल निकल जाना। सर अब क्या हुआ? किसी रियासत का राजा भी अगर जंगल में आ जाए तो हार्ड मांस का पुतला ही होता है। अब तुम लोग अगले 24 घंटे यही रुकोगे, वो महातांडव देखोगे जो किसी ने नहीं देखा, ऐसा धमाका सुनोगे जो कभी नहीं हुआ, कलेजे की धड़कने रफ्तार तोड़ देंगी। और अगर मेरी बात काट कर भागोगे तो ऐसी मौत मिलेगी कि नरक भी कांप जाएगा। गेट पर डेंजर बोर्ड लगा है मतलब यहां खतरा है, और अगर खतरा जानने के बावजूद किसी ने पांव रखा तो उसे यहां आदमी नहीं महाकाल मिलेगा। సహదేవ్ వర్మ అని చెప్తే మీ పిఏ ఒక్క సెకండ్ లో కనెక్ట్ చేశాడు. అస్టానిషింగ్. నీ లాకర్ రూమ్ లో ఏం జరిగిందో నాకు తెలుసు. దాని గురించి రాసే ఇంట్రెస్ట్ నాకు రాకూడదంటే దానికన్నా ఇంపార్టెంట్ కుచ్ ఖతర్నాక్ జానవర్ యే హమారీ టెరిటరీ హై కహకే ఆవాజ్ కర్తే హై. उस आवाज को सुनने के बाद हमें चुप हो जाना चाहिए। जब मैं ऐसे साइलेंस में हूं तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है। उसने मुझसे 10 साल से एक आदमी जेल में है उसे बाहर निकालने के लिए कहा। सहदेव का अतीत काली प्रताप है। A big influence wants you out. I believe you're reformed. I hope you don't kill anyone. इंसान को मुझे रिहा करने की क्या जरूरत है? पिछले हिसाब को पूरा करने के लिए पैसा चाहे जितना भी हो आने वाली मुसीबत को नहीं रोक सकते, मतलब उसकी बुलेट को कोई नहीं रोक सकता। जो मुझसे कहा गया है मैं वही कर रहा हूं। बस यही टिप दे सकता हूं, आइंदा मुझे कॉल मत करना। उसके बाद जो हुआ वहां के MLA से जाकर पूछ लो। अरे चिन्ना, स्वामी के वार्निंग देने के बाद भी MLA वहीं था क्या? मच्छर काट रहे थे तब भी वहीं पर था दीदी। सुबह उठ के नीम की डंडी से ब्रश भी कर रहा था। ये लीजिए, जाएंगे क्या? यहीं पास में ही। ए, उसने हमें यहाँ 24 घंटे रुकने को कहा था, क्या रुकना पड़ेगा? हा? चले जाते हैं, उससे टकराना छोड़ देते हैं तो सब ठीक हो जाएगा ना। बाप रे, सॉरी बोल के निकल जाते हैं। रेडी स्टडी आवाज दो, चिल्लाना। सहदेव साहब माफी मांग रहे हैं सर। जोर से चिल्लाओ। MLA साहब सॉरी बोलना चाहते हैं। उन्हें सुनाई दिया कि नहीं? आवाज नहीं आई, लगता है आधा मान गया। चलो Huh.
इतनी आवाज काफी है साहब। उस पोस्टर की जगह मैं आपको नहीं देख सकता। आइए बैठिए। चलिए ना, चलिए। ठीक है चिन्ना, तुम जाओ, इसलिए बुलाया था। क्या आप जाने को कह रही है? असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई थी। वहाँ क्या हुआ होगा मच्चा? सीधा बोलना है तो वो लोग पबजी खेल रहे थे। वहाँ पर तीन ग्रुप्स आए थे। पहला ग्रुप जो आया था प्रो ग्रुप, वो लोग टेंट लगा के वहाँ आराम कर रहे थे। कैप्टन ये टेंट्स, कैंप्स, ये सब क्या है? We are supposed to be camouflaged. सिर्फ एक आदमी के लिए इतने लोगों को बुलाया आपने? हम 30 लोग हैं, कॉफी खत्म होने से पहले उड़ा देंगे। You are supposed to listen to us. Hello. We don't take orders from you. मैम, ये टीम बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। यहाँ बहुत सारे सिविलियंस भी हैं। I'll be the first soldier. Let me go in and confirm the subject. Go ahead, Chief. Hey, Malfan. Hold. Roger that, sir. अंदर अगर ईगल होगा तो इसे प्रेस करके कम्युनिकेट करूंगा। अंदर जाने के बाद तुम्हें कुछ हो गया तो? I'll still find the way. अगर तब भी नहीं हुआ तो talk to my ma'am. इडली कितनी बेकार है। यहाँ ऐसा ही मिलता है। ए, 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 उधर कहाँ जा रहा है? गेट में करंट लगा हुआ है, शॉक लगेगा। कौन है तू? इस गांव में कभी देखा नहीं। एयरफोन नेटवर्क सर्वे के लिए आया हूँ। क्या 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 क्या? एयरफोन नेटवर्क सर्वे के लिए आया हूँ। जो भी हो तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ बैठना पड़ेगा। वो खुलेगा तब। ये क्या है सर? हमारे लिए तो नहीं खुला था। एकनाथ। हाँ साहब। प्रजा के प्रतिनिधियों से तुम्हारा साहब नफरत करता है? धक तेरे की क्या जिंदगी है? सिर्फ मुझे छोड़कर वो सब को अंदर बुला रहा है। याद रखना इसे, जब पूछूंगा तब बताना। सच में ये सुपीरियर क्वालिटी है सर। चलेगा प्रमोद, इंप्रेसिव। जो कहानियां मैंने सुनी थी और जो देख रहा हूं वो मैच कर रहे हैं। भले ही ये यहां काम ना करे, मैं अगर एक घंटे में बाहर नहीं गया तो पूरी फोर्स अंदर आ जाएगी। जो होना है वो तो होकर रहेगा। इसको दिखाना पड़ेगा, लाइव अरेंज करो। आपका एजेंट अभी तक बाहर नहीं आया। Allow us inside. We'll sweep and finish it. हमारा एजेंट कम्युनिकेट करेगा। वेट। ओए, हमने तुम जैसों को बहुत देखा है और उन्हीं
लोगों ने आखिरी बार इनको देखा? पुलिस वाले हो या स्पेशल फोर्स? एयरफोन टेक्नीशियन। हाँ हाँ, तो वहां जो टेंट में गन लेकर बैठे हैं, तुम्हारे टेक्नीशियंस हैं क्या? I see movement at 10 o'clock. 50 armed men. Ma'am, we have company. अब दूसरे और तीसरे ग्रुप के बारे में सुनो। एक मौज थे और दूसरे आतंकवादी। वो दोनों मिलके आए थे दीदी। अल्ताफ, अंदर हमारे कॉमरेड के साथ कुछ मासूम लोग भी हो सकते हैं। तुम अपनी मर्जी से गोली नहीं चला सकते। काफिर को पकड़ने के लिए गोली चलाना गलत नहीं, जिहाद है। इसमें आपकी कॉमरेड मर भी जाए तो वो मौत नहीं होगी, कुर्बानी होगी। नहीं आया, कहीं उससे भी तो बिंदी नहीं लगा दी? अरे बोलना। आप वहां देखिए सर। ये दाढ़ी वाले कौन है? मेरे वोटर तो नहीं लगते। वो पाकिस्तान के वोटर है, बहुत बड़े आतंकवादी है। क्यों रे विकास, इसने पूरे देश से लफड़ा मोल ले रखा है क्या? कह रही थी ये तो टेररिस्ट लग रहे हैं। इन हथियारों के लिए उनसे मिलना पड़ा। बस 10 मिनट में ये फेंसिंग और ये पूरी कोठी दोनों गिर जाएंगी। ये माओइस्ट लोग क्यों आए? कितने लोगों को बॉक्साइट चाहिए? जैसे हम बेलूर गैंग को लाए थे, इसी तरह ये रोमानी का सेटअप तो नहीं? राज भाई, एमएलए भी यहां है। हमारा निशाना वो बैंडिट है। जरूरत नहीं, बरसात होगी। ये क्या हो रहा है एकनाथ? उस सायरन का मतलब सावधान होना है। जिंदा रहना चाहते हो तो लेट जाओ। हमें 24 घंटे रुकने को कहा है, रुकेंगे। ये लेटना बैठना हमसे नहीं होगा, तुम करो। ये विकास, तुझे क्या हो गया? यहाँ पर ये सीनियर है और मैं जीना चाहता हूं। आ,
कोचिंग की में एंटर होने से पहले सारे आतंकवादी खत्म। तब जाके समझ में आया दीदी कि कोचिंग की में ही बहुत सारे बड़े बड़े मशीन गन्स थे। अब मैं और डिटेल में बताता हूँ। तो आंख और कान काम नहीं करते। ये बढ़िया है, शाम को बात करते हैं। मैम, इट्स कंफर्म्ड। ईगल इज इनसाइड। 20 कैजुअल्टीज। अगर हम तुम्हारी बात मानते तो उनकी जगह हमारे लोग होते। वेट अंटिल सनसेट एंड प्लान योर टैक्टिक्स। बट मैम, वी आर प्रिपेयर्ड। तुम उसके ग्राउंड में हो एंड ही इज प्रिपेयर्ड फॉर अ डेकेड नाउ। अगर मगरमच्छ से जीतना है तो दिमाग की जरूरत होती है, ताकत की नहीं। कॉपी दैट। ऐसे एक चैप्टर पूरा हुआ दीदी। जब टाइटल शुरू हुए थे तब मर्डर वगैरह कह के फोन आया था। चंगल रेडी बोलो। हाँ क्या रे विकास, एमएलए कुछ मर्डर के बारे में कह रहा था। इस सबकी जरूरत है क्या? उसे सलाह मत दो। उसे भी यहाँ बुलाओ। बात यह है कि मैंने सुन लिया, मुझे भी वहाँ बुला रहा है, आ रहा हूँ। तब सीआई चंगल रेड्डी वहाँ से निकल के आ रहा था। थैंक यू। उसने कहा डॉक्यूमेंट्स मिल गए, गाड़ी निकालो। उस फार्म हाउस की जगह किसके नाम है अगर पता चल जाए तो इस कहानी का कारण पता चलेगा। अब इससे सब क्लियर हो जाना चाहिए सिस्टर। मैं जिस कहानी को ढूंढ रही हूँ उसकी गहराई, उसका कारण वो लड़की है। नाम है रचना। प्रूफ इनलाइन डॉक्यूमेंट्स में है। रचना कौन है और उसका इस कहानी में क्या हिस्सा है? अब वो कहाँ है? वो इस कहानी का सिर्फ हिस्सा नहीं, सब कुछ है। हमारे साहब का जिंदा रहना और हमारी जिंदगी सही चलने का कारण वही है। 10 साल पहले उनकी यादें लेकर वो यहां आया था। जो उसने सोचा सब किया। मैं तो सिर्फ उसका सेवक हूं। तुम्हारे सवालों का जवाब सिर्फ एक इंसान दे सकता है, जय। इस कॉटन को पूरे यूरोप में ट्रांसपोर्ट कराने वाला वही इंसान है।
me, sir. Yes, miss. You know this address? Address? I'm not sure. This person is from India, Jay. I'm not coming across. Actually, he imports cotton. You should check in the corner. Hey! Hey, stop! Hey! Hey! जर्नलिस्ट मलन्ना से मिल रही थी तुम, तब से तुम्हारे पीछे आंखें लगा रखी हैं। हमें लगा था तुम एमएलए या रुमानी तक जाओगी, लेकिन जब तुम इतनी दूर आ गई तब समझ आया कि तुम क्या तलाश कर रही हो। रचना और सहदेव के बीच क्या रिश्ता था? सहदेव रचना के लिए तलाक होना क्यों आए थे? मोती तलाशने के लिए समंदर में उतरना पड़ता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी सच्ची है तो बताओ। कुछ लोगों की नजर फैसला करती है कि आदमी की सांस कब रुकेगी। ऐसे लोगों की जिंदगी यहीं से शुरू होती है। Wind speed under 1, eye on target, target is sturdy, according to our contract. हमें एक पुलिस ऑफिसर को हिट करना था जिसका नाम काली प्रताप था। Wind direction 36.2 degrees, hold the shot. Target is moving, hold the shot. Hold the shot. उनकी दुनिया मौत के सौदे पर चलती थी, तभी एक लड़की जिंदगी बनकर उनकी जिंदगी में दाखिल हुई। आई रिपीट, होल्ड द शॉट, टारगेट इज स्टार्टिंग टू मूव, विंड स्पीड इज द सेम, विंडो इज क्लोजिंग, आई रिपीट, टेक द शॉट, विंडो इज क्लोज्ड। भाई सहदेव की उंगली कांपी थी ट्रिगर पर, उनकी आंखें नहीं हट रही थी उसके चेहरे से, उस कॉटन की साड़ी से, उसकी मुस्कुराहट से। Thank you.
उस दिन से वो रोज उसके पीछे जाने लगे। सेंटर में टीचर है महोदरमा। इंडिया में माँ बाप कॉटन के बिजनेस में थे, अब बैंकरप्ट है, लेकिन फिर भी इनके सर पर कॉटन का जुनून सवार है। इतना सवार है कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन कॉटन को पहचान दिलाने के लिए भारत से कॉटन आयात कर रही हैं। लेकिन ये बात कौन समझेगा, हाँ? उसे कोई पहचान नहीं मिलेगी। उसे सलामी थी ये बताने के लिए कि दुनिया उसे कुछ भी समझे वो रानी है। उस आसमां और इस धरती को खुशी से मिलाने वाला रेनबो यही है। अनिका ब्रश बनी। हे रोमियो, मुझे पता है कि तुम मेरी टीचर को देखने आते हो। ओए, होमवर्क नहीं मिला, जाओ करो। जाके बोलो उसे, मैं उसे सिंगल देख देख के बोर हो गई हूँ। अगर तुम सिंसियरली कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हम एक डील करें। आपको पता है आज मेरी टीचर रिजेक्ट हो गई। इंडियन सारीज डोंट फिट आवर फैशन, वी आर फॉरवर्ड थिंकर्स। इस जमाने में साड़ी को कौन फैशन मानेगा। उसने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। कुछ करो रोमियो, कुछ करो ना तुम। खूबसूरत ख्वाब की तरह जी रहा था। उसे डर था कि कहीं करीब गया तो वो ख्वाब टूट ना जाए। लॉक 12 क्या चल रहा है? मिलोगे नहीं मुझसे? सपनों में भी बगैर फेस के आ रहे हो तुम, कुछ पता है? प्यार करने के लिए ये एयर गन काफी है। ये 455 की राइफल कब चल जाए इस बात का डर लगा रहता है हरदम, इसलिए जो करना है इससे करो। फिनाले है और उसके पास जो एक चीज नहीं है वो है कॉन्फिडेंस। मैंने तोहफे में उसके लिए वही भेजा है। यू आर नॉट वेयरिंग अ क्लॉथ, यू आर वेयरिंग अ कल्चर। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट टू एम्ब्रेस इट। स्टोरी तो बढ़ती ही जा रही है, हमें कुछ करना पड़ेगा। Yes, I have an idea. क्या? केबल कार। हम केबल कार में क्यों आए हैं सुहाना? Wait, ma'am. Hi, सुहाना. Ma'am, ma'am, ये रोज हमारे स्कूल आते हैं।
और आपको देखते रहते हैं। मैंने कई बार इन्हें पकड़ा है। हे रोमियो, कम। मैम ये वही है, वो गनमैन जो आपको इम्प्रेस करने के लिए ट्राई करता रहता है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। ए, स्वारा, स्वारा। लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ी, उनके आंखों ने एक दूसरे से सब कह दिया था और यही उनकी शादी थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि एक क्रिमिनल की इतनी प्यारी लव स्टोरी भी हो सकती है। कभी उसने अपने काम के बारे में बताया नहीं। बाय द वे, आप काम क्या करते हो? पुलिस के लिए उनकी सीक्रेट यूनिट के लिए काम करता हूं। ये बताते हुए आपके होंठ क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि यहाँ मैं परछाई हूँ, चेहरा नहीं। छुपके करने वाली मदद से बढ़ के और क्या काम हो सकता है इस दुनिया में? इंटरनेशनल क्रिमिनल से बात करते हुए पकड़े जाने पर जेल भी इंटरनेशनल होती है और तब कोई सिफारिश काम नहीं आती। कहाँ हो तुम? चिंता मत करो, मैं वहाँ नहीं हूँ। ये कॉल मैंने क्राइम सीन पर मिले फोन से किया है। रिटर्न इमीडिएटली। सुनो, तुमने प्रमोद को जिंदा क्यों छोड़ दिया? ये जानने के लिए तुम्हें उस दिन आधी रात को हुए महाभयानक महामरण के बारे में जानना होगा। मार्गशीर्ष की आधी रात में जो हमने देखा बहुत ही भयानक था। चॉकलेट खोलने जितने आसानी से बताता हूँ। आर्मी ने जब ड्रोन उड़ाना शुरू किया, उन्होंने देखा कि एमएलए जमीन पर लेटा हुआ है। मैडम, वहाँ सिविलियंस के बीच लोकल एमएलए सोमेश्वर रेड्डी भी हैं। ब्रेनलेस फेलो। एक और आदमी आता हुआ दिख रहा है मैम। तभी सीआई जनरल रेड्डी भी अपनी फटफटिया से वहाँ आ गया। वन मोर ब्रेनलेस फेलो। अरे इतनी सारी डेड बॉडीज आ गया। इतने सारे लोगों को मार के तुम यहाँ चैन से लेटे हुए हो? इसे ऐसे समझ आया? कहाँ गया वो? मेरे आते ही अंदर छुप गया ना। इसकी तो गया कम से। सुनो, मैं सीआई चेंगल रेड्डी बोल रहा हूँ। बाहर आके सरेंडर कर दो, मैंने बड़े बड़ों को ठीक किया है। 5 तक गिनूंगा। ये हल्ला कौन मचा रहा है? चेंगल रेड्डी है, पानी में झाग की तरह है। फालतू तो स्वागत करते हैं इनका। ये भी डेमो देख के ही मानेगा। डेमो देखकर सीआई की भी फटके फ्लावर हो गई। जैसे पबजी में होता है वैसे ही आर्मी वालों ने रिवर्स अटैक शुरू कर दिया। धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। फिर हीरो कैसे चुप रहता? उसने भी धड़ाधड़ गोलियां चलनी शुरू कर दी। सौ सोनार की एक लोहार की। मतलब? उसने एक मदर गन डिजाइन की थी जहां एक ट्रिगर सैकड़ों गन्स फायर करती हैं। सिंपल साइंस, जैसे कि एक स्टीयरिंग से 10 पहिए ऑपरेट होते हैं। तब हीरो ने जानबूझकर सिपाहियों के पैरों में गोली मारी ताकि वो मरे ना, और हम भगवान से प्रार्थना करने लगे। मुझे बता ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं पता तुझे? यार 10 सालों से गौरसिला रहता है। यूट्यूब से बाहर निकलोगे तब देखोगे ना कि तुम्हारे एरिया में क्या क्या हो रहा है। हम यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक मत कर मुझे। पांच घंटे हो गए, कोई अपडेट क्यों नहीं है? इसे भी वहीं भेज देते हैं। तू तो पुलिस में है ना? अरे तो निकाल ला हमें यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब है सोमेश्वर रेड्डी। यहाँ मिलिट्री कुछ नहीं कर पा रही है तो मेरे जैसा पुलिस वाला क्या कर पाएगा रे? तूने मेरा नाम लेके प्रोटोकॉल तोड़ा है। ये तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कब्रिस्तान है। यमराज के आगे भी
चाहिए तुझे? आर्मी ने चाल चलिए और स्मोक बॉम्ब चला दिया। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। सिपाही आगे बढ़े तो हीरो को दिखना बंद हो गया। तभी एक जोर की आवाज हुई। आंधी चलने लगी। मुझे यहाँ से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा है। सरकार ने इनको निकालने के लिए भेजा है। अंदर गोडजिला को निकालने के लिए आया है। घर में जहाँ से गोली चल रही थी, हेलीकॉप्टर ने वहाँ गोली चलना शुरू कर दी। मदर गन की फायरिंग और दूसरे गन्स की फायरिंग में एक सेकंड का डिले होगा। कुछ दिखाई दिया? अगर वो ऑब्जर्व किया तो मामला खत्म समझो। अभी स्नाइपर को हमारा हीरो दिख गया। दिख गया। टेक द शॉट। का अंत अक्सर अजीब होता है। उसे नहीं पता था कि वो अपनी मोहब्बत को आखिरी बार देख रहा है। जो हादसे हम अक्सर खबरों में देखते हैं, वो हादसा उस दिन हम पर गुजरा। जिस डेकेयर सेंटर में रचना काम करती थी, वहां आतंकी हमला हुआ। सुहाना भी थी। किया था वही कर्मा हमारे आगे उतर रहा था। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? इलीगल गन्स, जो इसके स्मगलिंग में दखल दे उसे हम मारे। दैट्स इट। इसे उसी दिन मार देना चाहिए था। सुहाना का बाप है ये, इसे मारेंगे नहीं रोकेंगे। जॉन मूव। Please!
विभाग हमारा घर चलाएगी। हमने जिनके गन्स बचाई वो टेररिस्ट थे और उन्हीं ने हमारी जिंदगी बर्बाद की। उस दिन एक बात और समझ में आई कि बंदूकें गलत हाथ में जाती हैं तो हादसे होते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे ने उनके भीतर एक ऐसा इंसान पैदा कर दिया जिसे मैं भी नहीं जानता था। वो सहदेव तो नहीं था, कोई और ही था। से निकलने वाली गोली पता है कब रुकती है, उसे पकड़ने वाले को जब वो छूती है। आज मैं आपके बारे में ही बात करना चाहती हूँ, जो मेरे मन में चल रहा है। पता है, आपकी गोलियों से लोगों में उम्मीद जागी है। आपने बंदूक को सुरक्षा का सिंबल बना दिया है। लाखों लोग शांति से सो पा रहे हैं क्योंकि आपकी तरह लोग इस दुनिया में हैं। मुझे सच में गर्व हो रहा है कि आप मेरे हो। हथियार से विध्वंस करने वाला राक्षस होता है और हथियार से विध्वंस को रोकने वाला भगवान होता है। भगवान भी सर्वव्यापी है। जो आप करते हैं वही भगवान भी करता है। आप भगवान से कुछ कम नहीं है। मुझे बिना जाने भी प्यार करती थी। उसे लगता था कि मैं एक मसीहा हूं। मैं उसका विश्वास टूटने नहीं दूंगा, कभी नहीं। मैं अब वो हर हथियार फूंक दूंगा जो गलत हाथों में नाच रहे हैं। सारे हथियार फूंक दूंगा। जब तक रचना जीवित थी, सहदेव का जीवन झूठा था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उनका जीवन दृढ़ हो गया। उस हादसे ने उन्हें योद्धा बना दिया। उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मैं वही बनूंगा जो वो चाहती थी। किसी के साथ ऐसा हादसा नहीं होने दूंगा। मेरा निशाना लोगों की जान लेता था, लेकिन अब बचाएगा। अब हथियार उन्हीं हाथों में होंगे जो लोगों की जान बचाने के लिए बढ़े। जो लोगों के लिए न लड़े उसे शस्त्र रखने का अधिकार नहीं। Responsible shouldn't leave the weapon. Irresponsible shouldn't hold the weapon. कितने लोगों को उसने रोका, किस हद तक गया था, ये तुम्हें जानना होगा। उसके लिए वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, मृत्यु हवन था। फोर्सेस ने गेट उड़ा दिया। It is down. मुझे लगता है गॉडज़िला मर गया। We have got an eagle. उस रास्ते से बाहर निकलो। चलो चलो यहां से भागो। लेकिन उसके पहले ही आतंकियों ने अटैक कर दिया। काफिर साला गया। स्पेशल फोर्सेस से पहले हमें घर में दाखिल होना होगा। सारे असलहे हमारे कब्जे में होने चाहिए। स्पेशल फोर्स अंदर की स्ट्रेटजी देखने के लिए रुक गई। कुछ हथियार बंद अंदर आ रहे हैं।
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सहदेव और दुश्मन के बीच मौत भी आएगी तो सहदेव मौत को भी हरा देगा।